मैं जदों भी कोई भी करैक्टर करता हूँ मैं गुरचेत नूं पासे रख देना ना। गुरचेत तां हुंदे नहीं उस विच, कोई भी चाहे बुढ़े का रोल होवे चाहे बुढ़ी का रोल होवे। कमेडियन गल करदा मेरे उत्ते उहदी धब्बा लग्गिया होया। वैसे आई एम नॉट कमेडियन, मैं एक एक्टर हाँ जिहड़ा मैं हरेक करैक्टर नूं बाखूबी निभा दिंदा। लोग ना गुरुद्वारे जाणों हट गए, मंदिरां च जाणों हट गए, लोग चर्चा च जाणों हट गए। मेरा नाटक सी बेबे जी मैं संत बन गया, मैनूं इन्नियां धमकियां आईयां, मैं कदे परवाह ही नहीं करी किसी चीज़ की। जो जो सच है वह सच ही है। किसी तू फोन नहीं करे भी यार मैनूं कम दे दो, मैं आपका कम आप पैदा करदा। साडे कलाकारां च के है जे माड़ा जिहा उहनूं उहदा नाम बन गया, पैरां थल्लों उहनां दी जमीन निकल जांदी, उह हवा छड्ड जांदे ने। तेरा बेड़ा बह जे पाकिस्तान दी तोपे, सारा नज़ारा खराब करता। हजे भी नज़ारा आई जांदा ते नज़ारा जाई जांदा। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो जी ABP सांझा, मैं हाँ बल्ली बाट। सैट के उपर पहुंचे जिसका नाम है नाजी नचार। वैल असी तो एक फिल्मी बाबे नूं मिलन पहुंचे सी, पर इन्ना फिल्मी बाबे ने अपनी जिहड़ी वेशभूषा बदली हुई है। किन्ना नाल बहस रहे हो ओ यार? की यार, कलाकार ने जिहड़ा टाइम दे ते जो टाइम ते आउंदे नहीं हैगे। मैं इत्थे आ गया, मैं इत्थे आ गया। टाइम ते जांदे हो? टाइम ते जांदा जी मैं। असी गुरशरण भाई दे कलाकार हां, असी तां टाइम सिर समय दे इन्ने पाबंदा भी मैं कहना 5 मिनट की 2 मिनट भी नहीं लेट हुंदे। गुरचेत जी तां आपां निग्गा जी आ नूं करदे प्यार भरी सति श्री अकाल। असी तां फिल्मी बाबिआं नूं मिलन पहुंचे सीगे, पर उन्होंने तां वेशभूषा बदल ली अपनी। फिर मेरा सीन सी जिहड़ा अजेने सी थाने दे विच सीगा, नाजी बाबे दा रोल कर रहा मैं इस फिल्म दे विच। वैसे तां मैं बाबिआं नूं बहुत दूसरे रोट लैंना, बाबिआं नाल साडा इट कुत्ते दा प्यार है। तो पर ये मैं बाबा बनया हुआ, हूँ दाढ़ी दूढ़ी ला ही है, बहुत बुरा हाल, रोटी नहीं खाधी हैगी। दाढ़ी जो लाई होंगी है तो इस तरह ए नहीं हों, सिर के उत्ते विग हों, विग भी एक कसया हों। सो चलो ये तो सारा शूट इंजॉय कर रहे थे प्रॉपर, तुम कह विग लगी हुई, दाढ़ी लगी सी वड्डी, अंदर बैक टू बैक रोल चलता, प्रॉब्लम्स बड़िया आदि। जो इस तरीके का गैटम निभा पैंता गुरचे चित्रकार होना, तो कितना कित खिज आँगी, इरीटेट होंगे कि यार बहुत लंबा चल रहा, दाढ़ी नहीं उतर रही, मेरे वाल नहीं उतर रहे। हों कई बार, पर फिर भी आपका कम है प्रोफेशनल अपना, पर खिंचता जाइए। हूँ सारे ने रोटी खा ली, मैं भुखा खड़ा जी। तो पर करैक्टर इन्ना गुड़े होंने, जो सीरीयस करैक्टर है वो मैं, वैसे मैं लोगों को हसाना पर, बट मैं सीरीयस करैक्टर है जो मैं बहुत दिल ला के करता, क्योंकि आम लोगों को हसाने चाहिए, पर मैं आम अपनी लाइफ के बहुत ज़्यादा गंभीर हाँ। हाँ जी, खास करके जो पिंड वाले माहौल के आगे शूट करना होंगे, सारे पास हरियाली नज़र आती, अपने पिंड अपने खेत नज़र आते, थोड़ा जहा फिर ईजी लगता चीज़ा है ना कि यार एक घर शूट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये है ही साडा अपना फार्म हाउस है। थाने दे परमिशन बहुत औखिया मिलती है, जे मिल भी जाती है परमिशन तो फिर कहीं पिछों की कोई पुलिस वाला लंघ जाता, कोई कोई आ गया, कोई केस आ गया, उन्हों का कोई कुछ आ गया। इतने साडा अपना परसनल थाने बनाया हुआ जिहड़ा तुसीं देखिया, तो इतने सुकून है। बाकी असीं ऑरगैनिक खेती खुती करते माड़ा मोटा जहा, क्योंकि मिट्टी चौठे मिट्टी च ही है। असं उत्थों फ्लैट में तो बहुत घट रहे, लिखना हों कुछ भी करना हों, असं इतने आ जाने। तो बाकी हरे भाई तक ये तो हर एक ही चंगी लगती हैगी। हाँ जी, अच्छे शूट बारे गल करते हैं, क्योंकि तुम लंबे समय तो इंडस्ट्री सेवा करते हो अपने कॉमेडी अंदाज के नाल, अपने किरदारा के नाल। अज वाला खास शूट जो है किस तरीके का होने वाला है? ये सिनेमा के लिए जाऊगा, वो OTT लिए जाऊगा, जी अपने यूट्यूब लिए कर रहे हो? नहीं, ये सिनेमे वास्ते है जी। हुण मैं जिहड़ियां फीचर कर रहा, पहला मैं करके हटा तेरी मेरी मंगनी फीचर फिल्म, ये मेरी फैमिली प्रोडक्शन की दूसरी फिल्म है नाजी नचार। मैं हमेशा ही कोई गंभीर मुद्दा चकदा हुन्ना जिहदे जिहनूं कोई हाथ नहीं पाउंदा, क्योंकि वक्खरा जिहा करन दी मैनूं शुरू तों ही आदत है। मैं हमेशा भीड़ च नहीं चलदा, मैं वक्खरा होकर चलदा। तो ये नचार कवीन वाजा नचार है, तो काफ़ी साढ़े पुराने कल्चर का एक हिस्सा ने, क्योंकि अगे कोई होर मनोरंजन का साधन नहीं सी हुंदा। व्याहां दे विच जिहड़ा वीन वाजा नचार सी उही सब तो वड्डा मनोरंजन का साधन हुंदा सी, साडे एक कल्चर का हिस्सा है। जिवें मुंडे कुड़ियां बन के नचदे हुंदे सीगे, किस तरह की कहानी है, एक सरदारां दे घरें एक मुंडा पैदा हुंदा इस तरह का, उस तरह की उहदी स्टोरी है। उहदे नाल की कठिनाइयां आउंदियां ने, उहदे घर दे उहनूं बुरा समझदे ने, पर इहदे च इह दिखाया भी जो तुसीं हो उह बण के रहो, दुनिया की परवाह ना करो, जो सूँ रब ने बना के भेजा। एक कलाकार की विक्टरी पता की होंगी है कि जो कोई किरदार निभा रहा हो, उस किरदार उस कलाकार पहचानना औखा हो जाता है। जिवें अज थोड़ा पहचानना बिल्कुल औखा सी जी, बिल्कुल जी लुक जी तुम अपनाई सी, हूँ तक का कोई ऐसा किरदार रहा जिद वाकई थोड़ा लगे कि यार ये गुरचेत नहीं लग रहा मैनू? मैं वैसे भरा जी, मैं जदों भी कोई भी करैक्टर करता हूँ मैं गुरचेत नूं पासे रख देना ना। गुरचेत तां हुंदे नहीं उस विच, कोई भी चाहे बुढ़े का रोल होवे, चाहे बुढ़ी का रोल होवे, चाहे खुसरे का रोल होवे, चाहे किसान का रोल होवे,
चाहे कोई भी रोल हो वे, मैं लगता मैं सारी तरह के करैक्टर कर चुके हैं, बट उदे च वड़ना ही गुड़ जाना उस विच कलाकार दे विच उदे च करैक्टर दे विच वड़ जाना ये ਸਾਡੇ ਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਹ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤਾਰੀਫ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਮੇਡੀ ਬੜੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮੇਡੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਵੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਜ਼ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਹੋਣ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਣ, ਕਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਨਾਟਕ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਟ ਮੂਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਛੜਿਆਂ ਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਛੜੇ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲੈ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖੁਸਰੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਛੜਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੜੇ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਵਨ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੂਗਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਛੜੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਇੱਜ਼ਤ ਫਿਲਮ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੁੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਭਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ। ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਾਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਚੰਗਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ, ਕਮੇਡੀ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕਮੇਡੀਅਨ ਕਲਾਕਾਰ, ਕਮੇਡੀਅਨ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਕਮੇਡੀਅਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਸਿੰਗਰ ਤਾਂ ਮੰਡੀਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਟਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੇ ਨੇ ਨਾਟਕ, ਕਨੇਡਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਹਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੱਟਵਾਦ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫੌਜਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ 420-21-22-23 ਉਹ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਜਿਹਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਜੀ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਵਤਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਿਆ ਹਲਕਿਓਂ ਫੁਲਕਿਓਂ, ਜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨੇ ਕੁ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਰੋਲ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਉ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਗੁਰਚੇਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਲ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਨੋ ਮਨੋ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੈਲਾ ਬੁੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ ਸਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਲਾਕਾਰ, ਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਤੱਕ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕੇ ਹੈ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਵਾ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਵਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਕਲਾਕਾਰ ਹਵਾ ਦਾ ਵਰੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲਾ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਪਸੰਦ ਆ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ,
असी अज तक कदे किसी तो परमिशन नहीं लई, कर लो यार साढ़े कर लो भाई कर लो कर लो। हूँ अज मैं एक हवेली से इतने नाल ही पिंड तो उन्होंने हवेली देख के आया, मैं उन्होंने फोन कराया, कहते कौन, महा जी मैं गुरचेत बोलता, महा जी एक दो सीन करने, कहता आ जाओ, कहता कोई गल नहीं यार, कहता मैं भी खुद आ रहा है, मैं जी उत्थे तुसीं नौकरां नूं कह दिओ चंडीगढ़ रहिंदे ने, कहता यार मैं खुद आ रहा, यानी कि भी इन्ना प्यार है। हुण असीं यही कुछ खट्टिया होया भाई, जदों टोल ते जाणा, अज तक असीं कदे टोल टैक्स नहीं कटाया, ये प्यार ही है लोकां दा, आही प्यार खट्टिया होया। असीं होर कोई असीं पैसे पूसे की परवाह नहीं मानते, पैसा पूसा सारी दुनिया कमाउंदी हैगी, जिहड़ा प्यार है लोगों का वह नहीं, क्योंकि साडा कोई प्यो दादा कलाकार तो है नहीं सी, सानू लोगों ने कलाकार बनाया, लोगों ने सानू प्यार दिता, तो लोगों की गल करदे आं असीं, इस करके असीं फैमिली कलाकार। जिहड़ा हुण सिनेमा एक चल रहा है तो जिहड़ा तुहाडा चलदा आ रहा सीगा, ये दो अलग अलग सिनेमा ने, तुसीं अपने सिनेमा नूं अलग सिनेमा गिणदे हो बाकी सिनेमा नालों? बिल्कुल जी, मैं उन्हां नाल कंपैरिजन ही नहीं करता है। हुण साडी फिल्म दे विच कदी भी कुछ जे तुसीं थप्पड़ भी मारना तो ओरिजिनल मारना, वो नकली चीज़ा होंदियां ने, नकली ग्लैसरीन, अज मेरा करैक्टर से मैं ग्लैसरीन पाउंदे ने, मैं ग्लैसरीन कदे नहीं पाई हैगी, जे करैक्टर दे विच जदों बंदा खोवेआ तो अपने आप ही रोण आउंदा। असीं आपदे क्योंकि कहानी दे पैर सर मेन मेन कंसैप्ट होंदा, अच्छा कोई हीरो नहीं, मैं हूँ ओ टी टी का युग आ गया, ओ टी टी तो पहला सिंगर हीरो होंगे सी, भी सिंगर हूँ तो कंसैप्ट हीरो है, जो थोड़े को कंसैप्ट वधिया है, कंसैप्ट थोड़े को कहानी जबरदस्त है, फिल्म चलनी चलनी। मैं थोड़ा दावे ना कहना भी साढ़े अज तक कोई यही फिल्म नहीं हैगी जी फिल्म पेटी हो, मेरा यूट्यूब के उत्ते भी मेरा अपना चैनल है, तो मेरा चपाल के उत्ते भी बहुत सारिया साड़िया फिल्मा ने गियाँ। अजक सिनेमा देखने का भाजी किसी को टाइम नहीं है, थोड़े को किन्ना टाइम है, तुम्हें किन्ना जानो, मेरे को मैं जो देखता हूँ तो मैं माड़ी मोटी जी वधिया फिल्मा ने गियाँ, जिमें हूँ अवतार आई सी, जिमें गंगू बाई सी, हाँ वो इस तरह के कुछ फिल्मा ने जिड़िया देखने, नहीं कोई सिनेमे इस तक कदम गए नहीं है। हाँ जी, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਦਾ ਰੀਅਲੀ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ 3 ਵਜੇ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਸਟੋਰੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ 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 ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਨਦੀਪ ਡਡਿਆਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਠੁੱਕ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸੇਮ ਕਹਾਣੀ ਆ ਰਹੀ, ਵਿਆਹ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜ ਗਏਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੁੱਕ ਮੁਕਾਏ ਗੱਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦਊਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੇਫ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਦੂਜੇ ਹੀਰੋ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਹੀਰੋਇਨ ਦੂਜੇ ਹੀਰੋ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਲੱਗ ਜੇ, ਵੱਡੇ 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 ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੇ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਗੁਰਚੇਤ ਨੂੰ ਨਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਪਤੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾ ਜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਅ ਜੀ, ਮੈਂ 7 ਵਾਰ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ, ਬੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬੈਸਟ ਲੇਖ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਸ਼ਨ ਭਾਅ ਜੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ, ਚੰਡੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਝਲਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਗਾਵਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾਟਕ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯਾਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਯਾਰ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਣੀ ਸਿਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰਿਆ ਸੀ ਧਰਮਰਾਜ.com, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਟਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਨਾਟਕ ਧਰਮਰਾਜ.com ਸੀ, ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਆਸ਼ਾ ਰਾਮ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਡਾ ਨਾਟਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ PPS ਨਾਭੇ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਾਟਕ 'ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮੇਕਅਪ ਵਗੈਰਾ, ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਪਾਤੀ ਵੀ ਧਰਮਰਾਜ.com ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕੱਢਿਆ, ਬੈਕ ਤੋਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤੀ, ਸਾਰੇ ਮਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ
धर्मराज का संघर्षन डोल जाता भी उत्थे कहिंदे ने भी लोगों नूं पार्टीबाजी च धर्म च वंडता उपर जमदूतों उन्होंने इस तरह का नाटक सी बाबयां दा सीगा ते बाबे भी उत्ते मर के चले जाते हैं भी सारी दुनिया खत्म हो जाती है उत्ते उत्ते साढ़े आप दी सियासत कर खेडते हैं उस तरह का नाटक से वह उत्ते पंजाब जाता है वो पंजाब के उत्ते एक इनकलाबी होंदा उहदे ते जाने के सारे कहते हैं भी मैनू इन्हें खाधा इन्होंने मैंने चूंट चूंट के खा लिया कहिंदा 47 च नहीं सी मैं डोलिया मेरे इन्होंने दो टोटे करते पंजाब कहिंदा भी फिर मेरा 84 दे विच भी इन्होंने मेरे ते बहुत मेरे नौजवानों नूं मारिया कहिंदा कहिंदा हुण कहिंदा पर जिहड़ा नुकसान हुण इन्हां ने करिया मेरा चिट्टे नाल कहिंदा भी उन्हां मेरा अज तक कदे नुकसान नहीं होया लीडरां नूं सो उस तरह का नाटक सीगा जदों असीं उह नाटक इत्थे ना होया असीं बड़े डरे यार कनेडा का वीज़ा लग गया सारी टीम का असी जो पहुँच गए एयरपोर्ट बाहर किसी ने मुंडे फेसबुक पर फोटो नहीं पाउनी उन्हों का यह नहीं पता है क्योंकि जहाँ धर्मी लोगों का दिमाग नहीं होंदा ये बेसरे लोग होंदे ने असी एयरपोर्ट ते बैठे किसी ने फोटो ना पाई जो साडा बिच जहाज़ दे बह गए उत्थे उतर गए कनेडा फिर असी फोटो पाई भी भाई पहुँच गए हुण धर्मराज.com के जिहड़े शो ते इन्ने ज़्यादा उधर हिट होए लोगों ने सानू इन्ना प्यार मिले जिते असी 13-14 शो करते हैं उत्थे 20-22 शो करके आए सी जिहड़ियां कहानियां ने कलाकार हुंदे ने उह तां समाज दा एक हिस्सा हुंदा है ते समाज दे विच समाज दी गल क्यों नहीं बिल्कुल कलाकार समाज दा एक ऐना है जो गलत हो रहा उन्हें गलत कहना जो सच हो रहा उन्हें सच कहना हुण मैं खिलाफ़ बोल दिना ज मैं पोस्ट पा दिना मेरे जवाक भी मेरे नाल बहुत गुस्से ने मेरा मैं हुण आपदे पेज का आप एडिटर एडमिन नहीं हैगा मेरे बच्चे एडमिन ने उदी ना दी ना डिलीट कर देंदे ने मैनूं कहिंदे सोनू की लैणा है ना क्यों पर की करिए जिहड़ा अंदर इत्थे बैठा है जिहड़ी उह लिखिया जांदा है ना असी गल करदे हुंदे आ लोकां दी जो वापर रहा हुण कई इहो जिहे मुद्दे हुंदे ने जिहड़े मेरा नाटक सी बेबे जी मैं संत बन गया मैनूं इन्नियां धमकियां आईआं बड़ियां धमकियां आईआं पर मैं कदे परवाह ही नहीं करी किसी चीज़ की जो सच है वह तो सच ही है कलाकार ने कदे उन्हें किसी के खिलाफ़ कदे पोस्ट नहीं पाई कला मैं ही हाँ जिहड़ा पंगे लैंदा रहना मेरी बीबी भी जसविंदर भल्ला होना दे अगर मैं शुरुआती दिनों की गल करा तो अपने नाटकों करके बड़ा कसूता फसे से एक बार शायद तुम्हें भी याद हो गए तुम कभी इस तरीके के फसे हो या फिर तुम कहीं शुक्र है यार मैं तो निकल गया नहीं बच गया बच्ची मैं ना पहला मैं सुनू मैं दसदा पहला असं सीधा चल पैंदे हुंदे सीगे जिहड़ी जिहड़ी गल हरेक बंदा सिखियारती हुंदा हुण पहला पता नहीं हुंदा सी कुछ असीं सिद्धा धर्म नूं कहिंदे हुण असीं इहो जिहे बिंग वल पा के उन्हां दी एसी की तैसी करदे आ ना उह कुछ हाँ घुमा के असीं कानून की गोली दिंदे आ पर गुड़ च लपेट के दिंदे आ और लोगों के समझ भी आंदी उन्हां दे भी समझ आ जांदी आ बथेरे ने धमकियां धमकियां आउंदियां ने केस कूस कर दिंदे ने केस च कुछ हुंदा ही नहीं बस साड़ा तेल ही लगता माड़ा मोटा पर मेरी जी पुरानियां फिल्मों ने कई तो हूँ भी जोड़ जोड़ के जे मैं मोदी के खिलाफ लिखता ना मोदी के जोड़े समर्कत ने कट्टड़े ने है ना वो ये धर्म के खिलाफ बोलता मैं पता है मैं किसी धर्म के खिलाफ कदे नहीं बोलता जो सच है मैं वो खिलाफ़ हूँ जो झूठ है मैं झूठ के खिलाफ़ बोलता मैं हूँ कई इस तरह के नाल जोड़ जोड़ के वो फिल्म चो कट के पा लिया उस कट के पा लिया आह देखो जे बाई कट करो यदा ऐ करो ऐ करो ऐ करो मैं कहा जिन्ने कुछ मर्जी करी जाओ पर पापा नहीं हटते है फैमिली वेलों का कोई खास डायलॉग हो जाए फिर अगर गल करते हैं फैमिली वेलों के डायलॉग इन्ने ने पर लोगों ने बहुत पसंद किया नज़ारे आई जाते हैं नज़ारे जाई जाते हैं हूँ भी जिंदगी दे विच नज़ारे ही ने मतलब सब कुछ सैट है बस मेरा एक जिंदगी का एक पूरा सुपना है अपना भी मैं एक बिरध आश्रम बनाउणा भी मैं हूँ ना मैं जवाकों कुछ दिना ना मैं उन्हों तो कुछ लेना सारे कमाते हैं कनेडा सैट ने सारे बट मैं जी हूँ कमाई आपकी मैं जोर ला रखे दिन रात एक रखी है भी मैं एक वधिया टॉप क्लास जिहड़ा है बिरध आश्रम बनाना है क्योंकि हुण जिहड़ा आउण वाला समा आना है वो बहुत भयानक आना है क्योंकि आपां जिहड़े हुण देखो आपां अपने माँ बाप की किन्नी रिस्पैक्ट करते हैं उस जिहड़ी अगली पीढ़ी है बहुत घट आ क्योंकि फोनां ने दुनिया नेड़े बेशक करती पर रिश्ते बड़ी दूर करते दुनिया बेशक इन्हें नेड़े करती सारा कुछ हो गया पर मैं हुण ये कहना हुंदा लोग ना गुरुद्वारे जाणों हट गए लोग मंदिरों जाणों हट गए लोग चर्चों जाणों हट गए हुण यूके दे विच मैं गया यूके दे विच चर्च ही नहीं कोई बना सकता हुण क्योंकि जाते नहीं कोई नवीं पीढ़ी नैट के उत्ते सारा कुछ वो करते हैं देख लिया उन्होंने ज्ञान हो गया भी असल जी मैं इंसानियत ही सब तो वड्डा धर्म है इंसानियत ही सब तो वड्डा रब है अपनी फैमिली की गल की बच्चों की गल की थोड़े बेटे दमन की गल करदा थोड़ी खिंची हुई लीद उपर चलना शुरू कर दिता होने है ना सो दमन के जो सुपने पूरे हो रहे हैं थोड़े अखी हो रहे चाहे वो अखी हो रहे हैं वह आनंद माण रहे हो कि जिस तरीके तुम चाहते भी सके खुद का भी इंट्रस्ट रहा उसी फॉलो कर रहे दमन मैं उन्होंने कहा कि तू कनेडा रह सब कुछ उधर सैट है
वो कहिंदा भी मैं यही लैन फड़नी है क्योंकि इसे लैन च पलिया वो मैं रुकता नहीं हुंदा भी जो तेरी इच्छा वो कर है ना। हुण काफ़ी सारे फिल्मों के हीरो आ रहा वो एक साड़ी तेरी मेरी मंगनी च हीरो है ये भी वह नाजी चार दे भी हीरो है एक मैं अगली होर कर रहा गा रब्बा तू इस्तीफा दे जिहड़ी पूरी ऐन धर्म के उत्ते है रब दी वो कहिंदे ने ना मेरा नवा मेरा नाटक सीगा मैं इसमें एक फिल्म का रूप पागलों की फिल्म है पागल ने सारे किसान पागल है जिंद फसल के उत्ते कहते पंगा च बहुता पैंता नहीं पर पंगे आप को बुला रहे हो मैं नहीं 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 मैं उद्देश्य उ कनीन की गोली वाला कम है भाजी हूँ किसान पागल होया वो फसल गड़िया ने मारती वो रब का दुश्मन कहना मैं रब मेरा दुश्मन है एक बुढ़ी का पुत धरने के उत्ते सीधिया गोलियां मार के मारता शहीद हो गया वो बुढ़ी कहती मैं रब न मार रहा हूँ सारे पागल ने रब न मारन फिरते हैं कहते भी रब कितने रहा है वो लभद ने रब न मैं एंड जो दिता है उस फिल्म का मैं दस दिना नहीं तो कोई क्लाइमैक्स नहीं दादा मैं तो दस दिना हाँ मैनू नहीं मैंने कहते थे ना कहीं तू गैट अप ना कर मैं तो दो तीन रील भी बना दी हूँ जे पागल ने ना वो कहते भी रब न लभद ने भी रब कितने एक कुछ कामरेड है कहना रब है नहीं बुढ़ी कहती ना वे जे रब है ता ही तो उन्हें द्रौपदी की इज्जत बचाई वो कहता वो भैन लगती सी बचाई थी चलती बस में रेप हों उदों क्यों नहीं बचा रब भी मंदिर में रेप हों उदों क्यों नहीं बचा रब फिर कहते भी जे रब है तो साड़ी मदद करे नहीं इस्तीफा दे रब तो इस्तीफा मंगते हैं रब लभद ने कुछ जी बुढ़ी है उन्होंने सारे माँ कहें होंगे ने पागल वो को एक पागल ना बीमार है वह कहता की हो गया पुत कहता बेबे मैंने बुखार है कहता मैं कित मरना जावा कहती ना 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 तेरी आई तेरी माँ मरूगी पहला भज लैंदा पागल रब लभ गया हो रब लभ गया हो पागलखाने पूरा शोर मचा है वो कहते कितने रब कितने कहना माँ ही रब है बुढ़ी कहती ना बे जे माँ रब होंगी तो कोई भी पुत उन्हों घरों ना कढ़ दे जे माँ रब होंगी तो कोई भी भ्रूण हत्या ना करता तीन महीने की बच्ची ना मारता फिर एक सियाना पागल हों कहता जे कहना पागलो सोच चुक के देखो भी ऋषि मुनिया किने पैदा कर कहते माँ ने पीर पैगंबर सूरवीर योद्धा किने पैदा कर राम कनेश्वर किने पैदा कर कहते माँ ने फिर कहते रब माँ तो बड़ा थोड़ी हो सकता फिर एंड ते कहते कहना हूं ना रब्बा तेरे असी झासे बच्च आवेंगे जा तैनू दिता छड माँ बाप नू रब बनावेंगे इस तरह का साडा उस हसा हसा के लोगों के बखियां दूरियां हो जाएगियां नाले करारियां चोटां ने धर्म के उत्ते भी गुरद्वारा में धर्म पिछे कृपाना चल पैंदियां ने गले पिछे गोलक पिछे भी कृपाना चल पैंदियां ने ते इस तरह तरह के उस व्यंग ने बड़े वधिया व्यंग ने ते एंड ते लोगों नू मैसेज हाँ टाइम होया काम कर दूँ एक्सपीरियंस उस सब चीज़ का पर इस चीज़ का घाण फील हों कि कई नहीं बहुत लोग थानू अज भी कमेडी नहीं कहें अदाकार नहीं कहते बिल्कुल मैंने सारी मैं पता नहीं है मेरे किमें लग गया मैं तो आप कह रहा भी मैं कमेडियन नहीं है मैं अपने आप बहुत कहना भी इन्ने मेरे को रेक करैक्टर का मेरे को बेस्ट एक्टर का अवार्ड है हरेक किसी का भी मैं जो असी फैमिली खुसरिया की करी सी असी 15 दिन खुसरिया को जाते रहे उन्हों का देख रहे भी किमें उन्हें अपनी भाषा से गल करते हैं पूरा उन्होंने फॉलो किया भी किमें फिर असी फैमिली खुसरिया की बनाई वधिया भी लगता फिर जो कि काम की तारीफ की जाती है बतौर चाहे कमेडियन किया जाए चाहे बतौर अदाकार की जाए हाँ जी बस आही है यही प्यार है लोगों का आही हूँ तक बना के रखा होगा जी मैं कहना जब तक ज्यौदे रहेंगे असी सेवा करते रहेंगे पूरी कहते यात्रा कंप्लीट पता कदों होगी जो जान लग गया आप डल खोर सुन लीए तेरा बेड़ा बह जाए पाकिस्तान दी तोपे सारा नज़ारा खराब करता हजे भी नज़ारा आई जाता है तो नज़ारा जाई जाता है थैंक यू बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच जी थैंक यू वीरे सत श्रीकाल जी सारा